दगे हुए कारतूस हैं। चार बार बसपा में थे तो कुछ नहीं किए, चार बार बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर थे तो कुछ नहीं किए। ये अपना पेट भरने के लिए दल बदलू बन करके फिर सपा में गए तो सपा में का कर लेंगे। आज ओम प्रकाश राजभर ने पूरे देश की राजनीति में राजभर को खड़ा कर दिया, राजभर को सम्मान मिलने लगा, राजभर का जो इतिहास था महाराजा सुहेलदेव जी का आज मजबूर कर दिया कि पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा सब लोग करने लगे। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से डाक टिकट जारी किया, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से सुहेलदेव एक्सप्रेस गाजीपुर से दिल्ली तक चल रही है, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी खुल गई, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से मेडिकल कॉलेज खुल गया, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से चित्तौड़ा झील का विस्तार हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, महाराजा सुहेलदेव जी की भव्य मूर्ति और भव्य मंदिर आपके श्रावस्ती में जांच कराई जाएगी। अगर आरोप लगा रहे हैं कि बड़े भूमाफिया हैं, लैपटॉप घोटाले में अखिलेश यादव हैं और शिवपाल यादव घोटाले में है, भूमाफिया में आजम खां है, राम गोपाल भी सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के भूमाफिया हैं, तो जांच कराएगी सरकार? बिल्कुल जांच होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होगी, जांच में दोषी पाए जाने पे लोग जेल जाएंगे, देख लीजिएगा। 9 साल केंद्र के बीच गए, 7 साल राज्य सरकार के, जांच अभी तक कहीं नहीं की, कहीं आप घबरा रहे हो? वो भेजे हैं रामगोपाल जी के, पूछ लेना। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब सीबीआई ने जांच किया तो रामगोपाल जी का बेटे का नाम उजागर हुआ था कि नहीं हुआ था, कैसे बचे? ये बीजेपी में जाकर सिफारिश किए कि जान बचा दो, आपके खनन घोटाले में नाम किसका आया? गायत्री प्रजापति के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश जी का भी नाम आया उस समय, गोमती रिवर फंड में किसका नाम आया? प्रोफेसर रामगोपाल, अखिलेश यादव और शिवपाल जी का सबका नाम है। ये लोग अपने बचने के लिए भी, आप देखो आप तो मऊ रहते हो ना, ये जानबूझ करके शिवपाल जी को भेजे कि चले जाओ भारतीय जनता पार्टी के साथ। यही अखिलेश यादव कहते थे कि जब बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली तो क्या कहा था अखिलेश जी ने कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। आज उसके बाद उनको अपने साथ ले लिया, दाग तो लगा हुआ है। अभी विश्वास करेंगे अखिलेश जी शिवपाल पर?